योगा कहते हैं और उसको एक तरीके की एक्सरसाइज और व्यायाम को ही हम मतलब योग मानने लगे हैं। लेकिन जो योग का जो मौलिक ग्रंथ जो लिखा गया वो पतंजलि ने लिखा और उन्होंने जो बताया कि योग को परंपरा में चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के रूप में पहचाना गया है ना। तो वहां पर तो इस प्रकार से पतंजलि योग सूत्र में कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि हमें अपनी विचार प्रवृत्तियों मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, और उसके लिए के रूप में या अष्टांग योग की बात की गई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है ना। इस प्रकार से ये एक सिस्टमेटिक रास्ता बताया गया अपनी अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के रूप में। और मोक्ष रहा और विचार शून्यता के रूप में रहा। तो कुल मिला के एक अपनी विचारों में एक प्रकार से निरोध करना या उनको रोकना के रूप में योग को पहचाना गया। तो जबकि यहाँ पर और जबकि ये जो विचार और जो इच्छा और क्रिया कार्यक्रम है वो एक प्रकार से मानव में चेष्टा बनी हुई है, तो ये एक चेष्टा से मुक्त होने का प्रयास एक प्रकार से दिखाई देता है ना। तो इसके ऊपर बहुत कमेंट करना तो नहीं बनेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अगर हम इसमें जो मध्यस्थ दर्शन में जो परिभाषित किया योग, जिसका अर्थ है मिलना या फिर जुड़ना है, या कि इस प्रकार से समझना कि कैसे हम जुड़े हैं, यहाँ पर एक प्रकार से विरक्त होने का रास्ता समझ में आ रहा है ना। जो परंपरा में जो बताया गया कि हम किस प्रकार से इन चीजों को रोक लें, तो रोकने के बाद में जोड़े कैसे, इसका रास्ता समझ में नहीं आता है ना। तो यहाँ पे योग को चेष्टा से मुक्त होने का प्रयास नहीं बताया गया। जैसे कल अदिति बहन ने जो अदिति बहन और जिगर भैया ने बताया था पिछले चैप्टर के अंदर, एक सूत्र आया था कि चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार, चैप्टर पेज नंबर 74 लास्ट लाइन में, चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है अथवा किसी इकाई द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए चेष्टा से मुक्ति के प्रयास को अकर्मण्यता आलस्य एवं प्रमादात्मक दोष निरूपित किया है ना। तो ये योग जो है वो चेष्टा से मुक्त होने के लिए नहीं है, योग जो है वो मिलन के रूप में है, ये हम आगे इस अध्याय में इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात जो योग से जुड़ी हुई है वो है ध्यान या मेडिटेशन जिसके नाम से, जिसमें बहुत कुछ आजकल संसार में चल रहा है ना। तो ये यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में इसको कैसे पहचाना गया है और क्या क्या कहा गया है, तो इसमें भी यहाँ पर भी ध्यान देने की बात की गई है। तो बाबा जी इस बारे में कहते हैं कि अध्ययन के लिए ध्यान देना होता है, अनुभव के बाद ध्यान बना रहता है ना। इस रूप से ध्यान की आवश्यकता को उन्होंने कहा है कि अध्ययन के लिए ध्यान देना होता है। ध्यान देना होता है मतलब अपने मन को लगाना होता है, यानी जो बात कही जा रही है उसको ध्यान से सुनना होता है, फिर उसके बाद में जो सुनी गई बात है उसके ऊपर सोचना होता है, निष्कर्ष निकालने होते हैं, तो उसके लिए उसको कहा ध्यान देना होता है। तो मेडिटेशन का अर्थ यहाँ पे इस प्रकार से परिभाषित हो जाता है। इसको एक प्रकार से आंशिक ध्यान भी कह सकते हैं या फोकस या अटेंशन को भी इसको कहा जा सकता है। तो ऐसे वो बाबा जी इस बात को कहते थे कि मन जो है हमारा उसको एक साथ तीन दिशाओं में काम करने का अधिकार है, मतलब एक ही समय में हमारा मन जो है वो तीन दिशाओं में दौड़ता रहता है। तो अभी भी हम देखते ही हम किसी बात को सुन रहे होते हैं तो पूरा अटेंटिवली कितना सुन रहे हैं ये बात पे थोड़ा प्रश्न मार्क रहता है। हम लोग इधर सुन भी रहे हैं, साथ में कुछ और भी काम चल रहा है, साथ में कुछ पढ़ भी रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा ध्यान या मन जो है वो बंटा रहता है, क्योंकि ये मन का अधिकार है एक साथ तीनों दिशाओं में काम करने का, तीन दिशाओं में काम करने का। तो इसलिए अगर हमको आंशिक ध्यान देना है या श्रवण करना है तो हमको मन को एकाग्र करना ही होगा, यानी मन को ये जो तीनों दिशाएं हैं उनको
तीन दिशाएं उनको एक ही अर्थ में लगाना पड़ेगा, यानी जो हम सुन रहे हैं उसी को देखें और उसी के ऊपर उसी के अर्थ में अपना मन को लगाएं, तो इस प्रकार से हमको समझ आने की जगह बनती है। लेकिन अगर हमारा मन जो है वो बटा रहता है, एक साथ में हम दो तीन चीजें कर रहे होते हैं, तो फिर वो ध्यान की एकाग्रता नहीं बनती है, तो उस तरीके से बात जो है वो अनसुनी अनदेखी हो जाती है ना। तो ये पठन के लिए या श्रवण के लिए ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। उसी को ही हम मेडिटेशन कह सकते हैं, उसी को ही हम फोकस कह सकते हैं, अटेंशन कह सकते हैं, आंशिक ध्यान कह सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा जो ध्यान या मेडिटेशन या ध्यान की जो यहाँ पे बात की गई है उसको कहा है केंद्रीय ध्यान, है ना। केंद्रीय ध्यान का मतलब है, मतलब उसको क्लैरिटी भी कह सकते हैं, अवेयरनेस भी कह सकते हैं, जीने में जो क्लैरिटी है, जीने में जो अवेयरनेस है, ये सर्वतोमुखी समाधान के रूप में है। अनुभव मूलक विधि से हर दिशा में कोण में हम जो है समाधान को प्रस्तुत कर पाए, इसी को केंद्रीय ध्यान कहा है कि हर स्थिति में हमारा ध्यान बना रहे, है ना, और प्रमाणित करने के लिए जो है वो ध्यान बना रहे। तो जहां अपने को अध्ययन के लिए या श्रवण के लिए ध्यान देना होता है, प्रयास पूर्वक करना होता है, वहां अनुभव मूलक विधि में प्रयास नहीं रहता है, ये मतलब विश्राम के साथ हो जाता है। एक बार बाबा जी इस बात को बोल रहे थे, ये जो मैं जो बता रहा हूँ ये उसका प्रसाद है ना, मतलब कि इसका जो अध्ययन करते हैं उसका फल ये है केंद्रीय ध्यान, है ना। केंद्रीय ध्यान मतलब इसका सर्वतोमुखी समाधान, जिसको अभ्युदय नाम भी दिया गया है, है ना। तो अभ्युदय जो है वो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में अध्ययन का फल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि योग को जो अभी प्रचलित रूप में जो समझा जा रहा है उससे यहाँ पर बिल्कुल भिन्न तरीके से परिभाषित किया गया है, और दूसरा ध्यान को जो परंपरागत ध्यान विधियां हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो इस बारे में जो बाबा जी के साथ में चर्चा हुई है, संवाद हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले भी आप में से कुछ लोगों ने शायद उसको देखा हो कि परंपरागत ध्यान विधियों का मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन से कोई लेन देन नहीं है, है ना। इस प्रकार से इसका रखा गया है। और जो योग, देखिए इस बारे में ये भी आवश्यक है इस बात को करने का कि परंपरा का इसमें कोई आलोचना नहीं है। अगर बाबा जी को देखें तो उन्होंने जो परंपरा में बताई गई योग साधना विधियां हैं उन्हीं के ऊपर ही चलकर जो है वो समाधि तक पहुंचे, है ना। तो समाधि तक जो है वो उसी उन्हीं विधियों से, जो परंपरा में जो बताया गया उसी विधियों से पहुंचे। लेकिन जो ये अध्ययन विधि है वो जो परंपरागत विधि से जो साधना और ध्यान की जो विधियां हैं वो विधि नहीं है। तो इसमें जो है जो समाधि पर पहुंचने के बाद में समाधि का जो संयम में उन्होंने मूल्यांकन किया उससे जो अस्तित्व में उनको अध्ययन हुआ वो हमको जो है वो अध्ययन कराया जा रहा है। तो जिस विधि से हमें अध्ययन कराया जा रहा है उसमें समाधि को बाईपास किया गया है, है ना। यानी कि इस विधि में जो संयम की जो उपलब्धि है उसको सीधे सीधे कल्पनाशीलता के प्रयोग द्वारा हम समझ सकते हैं, शिक्षा विधि से समझ सकते हैं। तो बाबा जी का हमेशा ये बात का जोर रहा कि लोग जो हैं साधना से, जो साधना करने वालों का खूब सम्मान हुआ है संसार में, लेकिन साधना की उपलब्धि जो है वो संसार में पहुंचनी चाहिए। खाली हम लोगों को साधना की तरफ धकेलते रहें तो ये इस प्रकार से काम नहीं चलेगा, है ना। साधना से उपलब्धि जो हुआ है उनको क्या उपलब्धि हुआ है, अस्तित्व में अध्ययन हुआ, अनुभव हुआ, तो ये साधना की उपलब्धि हुई। अब इस उपलब्धि को किस प्रकार से संसार में पहुंचाया जाए, तो उसका लगा कि अभी संसार में सहज रूप से आदमी में कल्पनाशीलता है ही, उस कल्पनाशीलता को प्रयोग करके ध्यान दिया जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, जिससे अध्ययन पूर्वक साक्षात्कार तक पहुंचा जा सकता है। उसके लिए आशा विचार इच्छा को निरोध करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो इस पर एक बार बाबा जी के साथ में चर्चा में उनसे पूछा, देखिए आपका तो क्या है, आपने क्लीन स्लेट कर लिया, हमारे पास में तो, हम संसार में रहते हैं, हमारे पास 10 तरीके की काम है, विचार हैं, ऐसे में हमारा ध्यान की क्वालिटी क्या होगी,
है ना, मतलब हम किस तरीके से कैसे इस बात पे विश्वास करें कि हमको भी आपका आपको जिस सूक्ष्मता से अध्ययन हुआ है वैसे हमको हो पाएगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों के पास में जो जिज्ञासा है वो समाधि का भी बाप है ना। उन्होंने अपने तरीके से इस बात को रखा। तो बेसिकली जिज्ञासा से हम संयम की जो उपलब्धि है उसको अपनी कल्पनाशीलता के प्रयोग के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। इस बात का बेसिकली ये इस बात का बेसिक प्रेमाइस है, ये इस पर जिस पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको तो हमने इस ये बात देखा कि योग को परंपरा में जिस प्रकार से बताया गया है, यहाँ पर योग को भिन्न तरीके से बताया गया। दूसरा, ध्यान को जो परंपरा में बताया गया, यहाँ पर ध्यान को भिन्न तरीके से बताया गया। तो अब हम है ना अध्याय का अध्ययन करेंगे, और जैसे मुझे है ना योगेश भैया की तरीका मुझे अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने पहले उन्होंने ये मतलब उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि लोग ना मतलब सब लोग जो सुनना सुनते हैं वो बात को सुन के स्वयं अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करें, ना कि हम केवल एक पकी पकाई है ना कुछ दे दें और लोग इसको उपदेश या कहानी के रूप में सुनकर चले जाएं। और बाबा जी भी ऐसी बात करते थे कि आपको अपनी कविता नहीं सुनानी है, है ना, अध्ययन कराना है, तो अध्ययन के लिए जो बात कही जा रही है उसको यथावत रखा जाए, फिर उसके बाद में इसको जोड़ा जाए। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि 5-6 सूत्रों को एक साथ अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अगर मेरा किसी मुद्दे पर ध्यानाकर्षण कराने का होगा तो मैं वो जोड़ दूंगा, और फिर उसके बाद में आगे हम उसको हम आगे और चलेंगे, है ना। तो इसका हम इसको शुरू करते हैं। तो अध्याय 11 योग। योग के प्राप्त एवं प्राप्य दो भेद हैं। जो प्राप्य है उसमें आसक्ति ही संपूर्ण योग संयोग वियोग का कारण है। मध्यस्थ व्यवहार विचार एवं अनुभव प्राप्त योग है, जो अनवरत उपलब्ध है, वर्तमान है। एकत्व व निकटत्व भेद से प्राप्त योग है। सजातीय मिलन की एकत्व तथा विजातीय मिलन की निकटत्व संज्ञा है। मानव का एकत्व केवल पांडित्य कुशलता एवं निपुणता में है। तो इन 5 सूत्रों से तो यहाँ पे देखो इसमें 2 चीजें बताया कि योग के क्या भेद हैं। तो 2 भेद हैं, प्राप्त और प्राप्य। तो प्राप्त योग किसको कहा है, जो हमेशा हमको प्राप्त ही रहता है उसको प्राप्त योग कहा है। और प्राप्य मतलब 2 इकाइयां जो हैं वो एक दूसरे को प्राप्त करती हैं और ना एक दूसरे से मिलती हैं, उसको प्राप्य योग कहते हैं। तो हर इकाई अपने आप में संपूर्ण है, फिर भी एक इकाई की दूसरे से आवश्यकता बनी हुई है ना, और उनके अंदर आदान प्रदान होता है। तो ये जो आदान प्रदान या निर्वाह का जो स्वरूप जो बना हुआ है उसी में बेसिकली संबंधों की भी पहचान है, पूरकता की भी पहचान है, संपूर्णता की भी पहचान है ना। तो प्राप्त योग है और प्राप्य योग है। तो सत्ता और क्रिया का जो है वो प्राप्त योग है, और क्रिया और क्रिया का प्राप्य योग है। तो इसमें दूसरे सूत्र में जो लिखा है, जो प्राप्य है ना, यानी जो चीज जो है एक दूसरे के लिए प्राप्य होना है, उसमें आसक्ति ही संपूर्ण योग वियोग संयोग का कारण है ना। तो ये इकाई जो है, हर इकाई अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन उसमें जो मानव जब तक भ्रमित रहता है तब तक उसमें एक प्रकार से उसको ये 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 क्लियर नहीं होता है कि उसकी हर इकाई अपने आप में संपूर्ण है। तो इसलिए उसमें वियोग का दुख और जो है योग नहीं हो रहा है इस प्रकार की आशंका ये बना रहता है। तो ये आसक्ति ही इस प्रकार से दुख का कारण होता है। मध्यस्थ व्यवहार विचार एवं अनुभव ये प्राप्त योग है, जो कि अनवरत उपलब्ध है, वर्तमान है ना। तो ये जो है ये जीवन के सापेक्ष में बात की गई है कि मान जीवन में अनुभव
विचार और व्यवहार जो है वो उसको प्राप्त ही रहता है, इनसे ये अलग नहीं होता है, ये अनवरत उसके साथ में उपलब्ध है और ये वर्तमान है। तो इस तरह ध्यानाकर्षण किया गया है कि जीवन के साथ में क्या चीजें हैं जो प्राप्त रहती हैं और क्या चीज प्राप्य होती है। तो जीवन के लिए शरीर एक प्राप्य है ना, और जीवन में जो अनुभव विचार और व्यवहार हैं वो प्राप्त हैं। चौथे में एकत्व और निकटत्व भेद से प्राप्य योग है ना, मतलब एकत्व मतलब एक ही जाति का और निकटत्व मतलब विजातीय। अगला सूत्र में है सजातीय मिलन की एकत्व तथा विजातीय मिलन की निकटत्व संज्ञा है। मानव का एकत्व केवल पांडित्य कुशलता एवं निपुणता में है ना। तो जैसे नमक और मिट्टी है तो ये विजातीय मिलन हो गए, जबकि अगर नमक और नमक को मिला दिया जाए तो वो एक ही प्रकार के हो गए, तो इनको तो उसको एकत्व प्राप्त योग कहेंगे है ना। और जबकि विजातीय है यानी कि मिट्टी और ना जैसे नमक हो गया, तो ये विजातीय हैं, दोनों अलग 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 जातियां हैं है ना, तो इनका मिलन को निकटत्व संज्ञा यानी ये पास पास रहते हैं। और मानव का जो एकत्व है यानी मानव का जो एकता है ये किस प्रकार से होगा, एकत्व कहाँ पर पहचाना जाएगा, ज्ञान के अर्थ में ही उसको मानव की एकता को पहचाना जाएगा, और उसकी एकता जो है पांडित्य कुशलता और निपुणता में है। इकाई का अगले पांच सूत्रों छह सूत्रों को पढ़ेंगे। इकाई का ह्रास व विकास प्राप्ति योग पर ही है। विकासवादी योग की सुयोग तथा ह्रासवादी योग की कुयोग संज्ञा है। न्याय एवं धर्म सम्मत विचार व व्यवहार संपन्न एवं सत्यानुभूति सहित मानव जागृत या विकसित न्याय एवं धर्म सम्मत विचार व व्यवहार संपन्न अर्ध विकसित न्याय सम्मत विचार व व्यवहार संपन्न मानव अल्प विकसित प्रगति तथा अन्यायासक्त विचार तथा व्यवहार संपन्न मानव ह्रास की ओर गतिमान है, जो पशु मानव व राक्षस मानव के रूप में गण्य है। ठीक, तो इन इन सूत्रों का अपन देख लेते हैं। तो कोई भी इकाई है उसका ह्रास या विकास है ना, हम लोग ये बात इस बारे में शुरू में दर्शन के अध्ययन में शुरू किए थे, ये वाला जो पूरा बाबा जी ने विश्लेषण किया है वो ह्रास और विकास की दिशा के आधार पर बेसिकली किया गया है ना, कि किस ओर की पदार्थावस्था से लेकर दिव्य मानव तक ये किस प्रकार से विकास और जागृति का क्रम है, इसके बारे में बात की गई। तो अब ये है कि किस प्रकार से ह्रास होता है और किस प्रकार से विकास होता है, तो ये पता लगा कि केवल प्राप्ति योग के आधार पर ही ये होता है, यानी इकाई के इकाई और इकाई के मिलने के आधार पर ही उनका विकास या ह्रास होता है ना। तो यानी कोई भी इकाई अपने आप से विकसित हो जाती हो ऐसा नहीं है, उसका जो है किसी दूसरी इकाई के साथ में संयोग होना आवश्यक है। तो आप देखेंगे अध्ययन भी है वो केवल अपने आप में नहीं होता है, उसके लिए अध्यापक का योग आवश्यक है, प्राप्य योग आवश्यक है, सानिध्य आवश्यक है ना, और उसके साथ में ही वो बेसिकली अध्ययन संभव हो पाता है। तो इकाई का विकास भी और ह्रास भी ये दोनों तो संगति का असर होता है, इस बारे में सत्यापन है। विकास योग विकासवादी योग की सुयोग तथा ह्रासवादी योग की कुयोग संज्ञा है ना, यानी कि सुयोग भी होता है अस्तित्व में और कुयोग भी होता है, यानी कि ऐसा योग जिसमें ऐसा मिलन जिसमें एक दूसरे की प्रगति के बारे में बात ना हो जबकि ह्रास की बात हो उसको कुयोग कहा है, और एक दूसरे की जागृति के बारे में बात हो तो उसको विकासवादी योग या सुयोग या उभय सुकृति का नाम भी कई जगह एक जगह दिया है, उभय सुकृति और उभय दुष्कृति इस तरीके से उसका नाम कहीं दिया है। अगला जो सूत्र है उसमें बेसिकली ये वाली बात आई है कि देखिए पूरा जो विकास का जो क्रम है वो
मानव का जो विकास का जो क्रम है उसको आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे रेफरेंस करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने जागृत मानव को के अर्थ में, यानी सत्यानुभूति सहित, सत्यानुभूति प्रमाण सहित जो मानव है उसको जागृत विकसित मानव कहा है, उसके रेफरेंस से उससे पीछे वाली स्थितियों की गणना कर ली है, है ना। तो कोई भी अगर हमें इवोल्यूशन या विकास को अगर एक्सप्लेन करना हो तो आपको किस पूर्ण स्थिति का हमको पहले आकलन करना होगा, उससे फिर पीछे की स्थितियों की अपने को गणना करनी होगी। पूर्ण स्थिति के आकलन के बाद ही आपको उससे पहले वाली स्थितियों का मूल्यांकन का आधार बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर जागृत या विकसित, फिर विकसित, फिर प्रगति, फिर ह्रास का पहचाना गया है। तो इस प्रकार से पशु मानव, राक्षस मानव से दिव्य मानव तक की जो स्टेजेस हैं, है ना, यानी मानव की जो स्थितियां हैं उनकी पहचान की गई है। अगला सूत्र है, जो जिसका अपव्यय करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा। मानव में ह्रास में आसक्ति के फल स्वरूप प्राप्त बल, बुद्धि, रूप, पद और धन का अपव्यय करता है। जड़ पक्ष को वरीय मान लेना ही ह्रास है। मानव के लिए आवश्यकीय नियम मानवीयता का संरक्षण ही है, जो न्याय एवं समाधान है, जिसके पालन से स्वर्गीयता का प्रसव है। इसके विपरीत मानव के लिए अनावश्यकीय नियम मानवीयता का शोषण ही है, जो अन्याय है, जिसमें विवशता से नारकीयता का प्रसव होता है। तो एक छोटा सा सूत्र यहाँ पे दिया, जो जिसका अपव्यय करेगा वो उससे वंचित हो जाएगा, है ना। इसका हम देखते ही हैं कि तो यहाँ पे बताया कि मानव में ना पांच विभूतियां हैं, जो अगले सूत्र में बताया गया है, रूप, पद, बल, धन और बुद्धि, है ना। तो रूप तो बिल्कुल क्लियर ही है, शरीर अपना एक रूप होता ही है, है ना। उसके अलावा पद जो है वो हमारा जो भी सामाजिक रूप से हमें पद मिलता है या व्यवस्था में जो पद मिलता है वो है। धन जो है जिस जो संपत्ति है और जो हमारे पास में वस्तुएं हैं उस रूप में है, है ना। तो रूप और बल जो है वो बेसिकली फिजिकल माइट या कोई भी हमारे पास में ताकत है जो पद के आधार पे भी हमें मिली है, दूसरों को नियंत्रण करने के रूप में। तो इस रूप में है ना हर मानव के पास में कोई ना ये इन पांचों विभूतियों का कुछ ना कुछ स्वरूप बना होता है ना, और साथ में बुद्धि। तो ये जो है, ये जो पांच विभूतियां हैं वो अपने मानव अपनी समझ या समझ में कमी उनके अनुसार उसका उपयोग या दुरुपयोग करता है। तो इसमें से जो है रूप, पद, बल और धन, इनका जो है दुरुपयोग भी हो जाता है अगर समझ ना हो तो, दुरुपयोग ही होता है अगर समझ ना हो तो। और अगर समझ होती है, यानी जब बुद्धि के अंदर वस्तु होती है या बोध होता है, तो उसके साथ में मानव अपने रूप, पद, धन और बल का भी सदुपयोग और सदव्यय करता है, है ना। तो उस अगर सदव्यय नहीं होता है, यानी सत्य के अर्थ में व्यय नहीं होता है, तो अपव्यय ही होता है। और अपव्यय होता है तो जैसा पिछले सूत्र में लिखा है, जो जिसका अपव्यय करेगा वो उससे वंचित हो जाएगा, है ना। तो जैसे हमने अपने किसी भी चीज का हम अपव्यय करते हैं तो उससे वो वंचित होने की जगह में हम पहुंचते ही हैं, है ना। और इसमें आगे लिखा है, तो मानव के लिए आवश्यकीय नियम मानवीयता का संरक्षण ही है, जो न्याय एवं समाधान है, जिसके पालन से स्वर्गीयता का प्रसव है, है ना। स्वर्गीयता मतलब एक सुखद स्थिति से नाम है, सुखद यानी सुखपूर्वक जीने की स्थिति है, उसका प्रसव यानी उसका उद्गम है। इसके विपरीत मानव के लिए अनावश्यकीय नियम जो है वो मानवीयता का शोषण ही है, जो कि अन्याय है, जिससे विवशता से नारकीयता का प्रसव होता है। नारकीयता मतलब जो इसमें स्वर्ग और नर्क की परिभाषा जो है वो भिन्न तरीके से दी गई है। जो परंपरा में जो स्वर्ग और नर्क जो बताया गया है उससे ये भिन्न तरीके से बात की, ये जीने में ही स्वर्ग और जीने में ही नर्क की बात की गई है। अगर स्वर्ग जैसे उन्होंने जो मंगल कामना की कि भूमि स्वर्ग हो, उसका अर्थ क्या है, नित्य शुभ का उदय हो, है ना। तो अगर स्वर्गीयता का स्वरूप धरती पर स्थापित होता है तो नारकीयता का स्वरूप जो है वो
समाप्त होता है। तो अभी जो है जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, धरती पे लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, मानव जाति के बने रहने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है ना, धरती के बीमार होने का ये सब ये है, इसी को ही हमने धरती को नर्क बना दिया है ना। अभी उसके स्थान पे धरती को स्वर्ग बनाने के लिए भी संभावना है। तो मानव में ही, मानव से ही वो संभावना का उदय हो सकता है, मानव के अलावा और किसी से ये संभावना का उदय नहीं हो सकता। ठीक है, तो मानव के जागृत होने से ही धरती स्वर्ग बन सकती है। मानव को हटा दें और फिर भी धरती स्वर्ग बन जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा हो जाए कि पूरी मानव जाति का विनाश हो जाए तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। मानव के धरती के स्वर्ग होने के लिए दृष्टा पद का प्रमाण होना आवश्यक है। मानव जो है वो इस धरती का ही प्रोजेक्शन है ना। इस धरती से जो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के बाद में मानव का प्रोजेक्शन हुआ है, और ये सब चीजें यांत्रिक विधि से व्यवस्था में है जो बाकी मनुष्यत्व प्रकृति है, और मानव प्रकृति जो है वो निर्णय पूर्वक यानी समझदारी पूर्वक जो है जब वो व्यवस्था में होती है तब धरती पे स्वर्गीयता की स्थापना होती है। तब मानव अपना जो उसका पद है उसमें वो आसीन हो पाता है, उसके योग्य बन पाता है और उसके अनुसार जी पाता है ना। इस प्रकार से बेसिकली उसका जो एक अपेक्षा है कि दैट ह्यूमन बीइंग विल बी द कस्टोडियन ऑफ द रेस्ट ऑफ द नेचर, वो सभी चीज, सभी जो है शेष अवस्थाएं हैं उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी लेगा। तो मानव के अलावा और किसी को ये जिम्मेदारी लेने वाली जो बात है ये जानवरों में नहीं है, पेड़ पौधों में नहीं है और जो मिट्टी पत्थर में नहीं है। तो जिम्मेदारी की जो बात है वो मानव में ही है उसकी संभावना, और जिम्मेदारी लेने की बात जो है वो ईश्वरवाद से नहीं आती है, जहाँ पे लगता है कि ईश्वर ही सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है ना, हमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और उसी तरीके से भौतिकवादी विधि में भी जिम्मेदारी की बात आती नहीं है, है ना। तो जिम्मेदारी लेने की बात ये मध्यस्थ दर्शन में कहा कि मानव ही जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, और जिम्मेदारी लेने के लिए उसको पहले मूल में समझदारी और ईमानदारी होना आवश्यक है। बिना समझदारी और ईमानदारी के जिम्मेदारी का मतलब कुछ निकलता नहीं है, और जिम्मेदारी लेने के बाद जिम्मेदारी के अनुसार भागीदारी करने की बात रहती है। आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। असंग्रह समाधान समृद्धि, इसमें ब्रैकेट होना चाहिए, असंग्रह समाधान समृद्धि ब्रैकेट में, स्नेह विद्या निराभिमानता या सरलता, अभय एवं वाणी संयम से युक्त विचार मात्र से वैचारिक स्वर्गीयता की, स्वनारी स्वपुरुष तथा स्वधन एवं दयापूर्ण व्यवहार से व्यवहारिक सुख अथवा व्यवहारिक स्वर्गीयता की उपलब्धियां हैं, यही सर्व मानव के लिए आवश्यकीय नियम है। इसके विपरीत संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान या दिखावा, भय तथा वाणी की असंयमता से युक्त विचार से वैचारिक नारकीयता तथा पर नारी, पर पुरुष, पर धन एवं पर पीड़ारत कार्य एवं व्यवहार से व्यवहारिक क्लेशों से पीड़ित होना होता है। तो इसमें ना बौद्धिक नियमों की बात की गई है। तो मानव के लिए बौद्धिक नियम क्या है? असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, है ना। ये पांच रूप में बेसिकली बौद्धिक नियमों की बात की गई है। ये बौद्धिक नियमों से वैचारिक स्वर्गीयता है ना, कि हमारा विचार में भी एक स्वर्गीयता होता है। तो आदमी का दो हम देखते ही हैं लोक होते हैं, एक तो हमारा जो विचार का लोक होता है और एक जो है जो भौतिक जो हम कार्य व्यवहार करते हैं उनका लोक होता है। और ये भी हम जानते हैं जो हमारे विचार का जो स्वरूप होता है उसी को ही हम अपने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर उसको साकार करते हैं, उसको मेटीरियलाइज करते हैं। तो आगे है ना लक्षण लोक आलोक वाले चैप्टर के अंदर इस बारे में थोड़ी और बात होगी। तो हमारा एक लोक तो होता है जो कि हमारा मानसिक लोक होता है, जो हमारी कल्पना का लोक होता है, जो हमारे चैतन्य का होता है, और एक जो होता है इसमें, ये दोनों जो है वास्तव में एक ही है।
लेकिन भ्रम में इन चीजों में विपरीत विपरीतता होती है, क्योंकि हम जो है इनके अपने कल्पना का लोक के अंदर कुछ एक अलग इमेज बनाए रहते हैं वर्ल्ड की, जबकि वर्ल्ड वास्तव में कुछ ही और स्वरूप में होता है। तो जैसा है वो वैसा ही होता है, सृष्टि जैसा है वो वैसा ही होता है, लेकिन सृष्टि से भिन्न मान्यताओं का हम अपना लोक बनाए रहते हैं, मेंटल व्यू बनाए रहते हैं, तो उससे क्या है इन दोनों जगह में कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है, जिससे जो कि जिसको हम भ्रम भी कहते हैं, जिसको समस्या भी कहते हैं, जिसको क्लेश भी कहते हैं, जिसको आसक्ति भी कहते हैं, अलग अलग स्थितियों में उसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसेंशियली ये एक बात है कि हमारी जो चैतन्यता का जो स्वरूप है उसमें एक वैचारिक स्वर्गीयता होने की आवश्यकता है, यानी हमारे विचारों में समाधान होने की आवश्यकता है। विचारों में समाधान होने के लिए क्या जरूरी है, उसके मूल में हमारे पास समझदारी जरूरी है। समझदारी से जो विचार हमारे में स्थापित रहते हैं उसको समाधानित विचार कहते हैं, है ना। तो समझदारी मूल में बुद्धि और आत्मा की जो स्थिरता की एंकरिंग जो रहती है, उसके आधार पे जो चिंतन मूलक जो विचार होता है ना, उसके साथ में हमें चिंतन मूलक जो विचार है उसको हम समाधान कह रहे हैं, और वही जो है वो वैचारिक स्वर्गीयता है। और इसका ही जब सामाजिक स्तर के ऊपर आता है तब वो उससे उसका बनता है स्वनारी स्वपुरुष स्वधन और दयापूर्ण व्यवहार, तो वो व्यवहारिक सुख का स्वरूप बनता है ना, और जिसको व्यवहारिक स्वर्गीयता भी कहा है। तो व्यवहार में वही आता है जो विचार में आता है, तो दर्शन में बेसिकली हम विचार से प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो विचार से कोई, क्योंकि विचार यहाँ पे पहले स्थिर होता है उससे व्यवहार स्थिर होता है ना। अगले चार पांच सूत्र पढ़ते हैं। मानव मानव के लिए आवश्यकीय नियमानुक्रम व्यतिक्रम भेद से ही सुख व दुख का, हर्ष एवं अमर्ष का कारण सिद्ध हुआ है। समस्त संबंधों एवं संपर्कों, वस्तु एवं विषय, रूप एवं आशय के पोषक एवं शोषक भेद से ही मानव ने नियमों का पालन किया है। इसमें से मानवीयता के लिए आवश्यकीय तथा अनावश्यकीय नियमों को जान व समझ लेना ही अध्ययन है, तथा इनमें से आवश्यकीय वर्गों को सभी स्तरों पर प्रयोग में लाना ही प्रमाण और उपलब्धि है। मानव के जीने के सोपानों को व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र के परिपेक्षों के रूप में पहचाना गया है। दूसरी विधि से व्यक्ति, परिवार, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में पहचान होती है। तीसरी विधि से हर व्यक्ति समझदारी सहज विधि से जिम्मेदारी के रूप में व्यवस्था का आरंभिक रूप परिवार है, आरंभिक स्वरूप परिवार है। इसी क्रम में 10 सोपानीय परिवार सभाओं के रूप में पहचान होता है। इन तीन सूत्रों को ले लेते हैं। तो इसमें लिखा है मानव के लिए जो आवश्यकीय नियमानुक्रम, यानी नियमों के अनुक्रम में, नियमों के अनुसार में, और अनुक्रम या व्यतिक्रम, व्यतिक्रम मतलब होता है विश्रंखल होना, यानी कि जो क्रम है उससे क्रम टूटा होना, उसको व्यतिक्रम बोलते हैं। तो जो अगर नियमानुक्रम होता है यानी नियम के अनुसार होता है, व्यतिक्रम मतलब जिसमें नया नियम टूटा रहता है, उससे सुख व दुख का, है ना, हर्ष और अमर्ष, हर्ष मतलब खुशहाली, अमर्ष मतलब एक पीड़ा की स्थिति, इसका कारण सिद्ध हुआ है। तो मानव जो है अपने आवश्यकीय नियम क्या बताए थे, जो एक तो असंग्रह, स्नेह, विद्या, निराभिमानता और अभय या विश्वास, इनको हमने आवश्यकीय नियम के रूप में पहचाना था, ठीक है ना। और व्यतिक्रम जो है वो अनावश्यकीय नियम को के रूप में कहा था। तो इसमें एक कहा, इसके बाद कहा है कि मानव जो संपूर्ण जो मानव जिन जो है वो नियम का पालन करता है, कोई भी नियम उसके जो बने हुए हैं, चाहे वो आवश्यकीय नियमों का कर रहा है या अनावश्यकीय नियम का करता है, उसका पालन कहाँ पर होता है, संबंधों एवं संपर्कों में, है ना।
वस्तु एवं विषय, वस्तु एवं विषय का क्या था मैं देख के बताऊंगा इसका। रूप एवं आशय, मतलब मेरे को लगता है रूप जो है वो भौतिकता से जुड़ा है, आशय जो है वो चैतन्यता से जुड़ा है ना, तो इनके पोषक या शोषक भेद से है ना, संबंधों और संपर्कों के पोषक या शोषक भेद से रूप और आशय यानी कि भौतिकता और चैतन्यता के पोषक या शोषक भेद से, वस्तु एवं विषय के पोषक या शोषक भेद से। वस्तु और विषय का मैं अर्थ देख के आपको थोड़ा सा इस पे और लोगों से पूछ के फिर बताऊंगा। फिर उसके बाद में मानवीयता के लिए आवश्यकीय या अनावश्यकीय नियमों को जान समझ लेना ही अध्ययन है, और जो आवश्यकीय नियम है उनको हर स्तर के ऊपर प्रयोग में लाना ही प्रमाण और उपलब्धि है। अब प्रमाण और उपलब्धि को किन क्या स्तर हैं है ना, इसके बारे में पता लगा है। तो इसमें लगा कि मुख्यतः पांच स्तरों की बात जो है दर्शन में की गई है, जिसमें मानव की आइडेंटिटी की एक तरीके से पहचान है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, ये पांच रूप में। इसको कई किसी जगह पे चार में भी बताया, किसी जगह छह में भी, पर बेसिकली इन पांच रूप में मेनली जो आगे हमने मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्वों में पढ़ा था वो पांच रूप में परिभाषित किया गया है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। इन पांच स्तरों के ऊपर मानव की पहचान है। तो व्यक्ति, एक मानव जो है, एक तो उसकी एक व्यक्ति के रूप में पहचान है, फिर उसके बाद में वो परिवार का एक सदस्य है ना, तो फिर उसके बाद में वो परिवार के रूप में उसकी एक आइडेंटिटी है, फिर उसकी एक समाज के रूप में आइडेंटिटी है, फिर उसके बाद राष्ट्र के रूप में उसकी आइडेंटिटी है, और फिर अंतर्राष्ट्र के रूप में उसकी आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से मानव की आइडेंटिटी भी जो है वो उसकी इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, उसकी अपनी नहीं है, वो उसकी संयुक्त रूप में उसकी एक आइडेंटिटी होती है। यानी हमारी पहचान, हम केवल इकाई के रूप में, मानव के रूप में, इंडिविजुअल के रूप में हम सीमित नहीं कर दे रहे हैं, हमारी एक संयुक्त आचरण के रूप में परिवार की भी एक पहचान है ना, फिर उसके बाद परिवार समूह के रूप में भी हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है। तो उसमें इस प्रकार से हर स्तर के ऊपर एक आइडेंटिटी जो है वो हमारी बन रही है, जिसको हमें, जिसके स्वरूप का हमें पहचान करना है। तो अखंडता के रूप में पहचानने के लिए ये एक आवश्यक है कि हम संयुक्त रूप में हमारे आचरण का क्या स्वरूप है, क्या हमारा संयुक्त रूप में क्या प्रयोजन है, क्या हमारी व्यवस्था है और क्या हमारा पहचान है, हमारा श्रम का क्या स्वरूप है। तो ये एक बेसिकली व्यवस्था के सूत्रों की यहाँ पर बात की गई है। अगला पढ़ेंगे मानव के लिए आवश्यकीय नियम ही, एक मिनट, मानव के लिए आवश्यकीय नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही सहस्तित्व, सहस्तित्व में समझ ही आनंद, आनंद ही जागृत जीवन, तथा जागृत मानव जीवन ही मानव परंपरा के लिए आवश्यकीय नियम है। यह मानव जीवन का जागृत चक्र है। सर्व मानव जीवन के लिए यह सुचक्र है। जीने की आशा सहित चैतन्य इकाई को जीवन तथा जीवन द्वारा लक्ष्य को पाने के क्रम में प्रयास की जो निरंतरता है उसकी जीवन जागृति क्रम संज्ञा है। मानव के लिए अमानवीय नियम ही अन्याय, अन्याय ही अधर्म, अधर्म ही असत्य, असत्य ही अनिश्वर्यता, अनिश्वरता ही दुख, दुख ही जीवत्व या अमानवीयता, जीवत्व ही मानव के लिए अनावश्यकीय नियम है। यह जीव चक्र है जो मानव के लिए कुचक्र है। सामाजिक स्तर पर सार्वभौमिक सिद्धांत के आविष्कार को नियम की, नियम को व्यवस्था के स्तर पर व्यवस्था पूर्वक व्यवहित करते हुए न्याय की, न्याय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर समाधानित विचार पूर्ण नीति द्वारा व्यवहित करते समय धर्म की, धर्म को ब्रह्मांड के स्तर पर व्यवहित करते समय सत्य की, अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर व्यवहित करते समय उसको सहस्तित्व की, सहस्तित्व में मानव द्वारा अनुभव की दशा में आनंद की, तथा आनंद को व्यक्तिगत जीवन में आचरित करने की जागृत जीवन संज्ञा है जो दया, कृपा और करुणा है।
तो इसमें है ना वो पहला जो सूत्र था वो एक्चुअली उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो चौथे सूत्र में है ना, जो मानव के लिए आवश्यकीय नियम ही न्याय वाला जो सूत्र है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो चौथे सूत्र में है ना। तो वहां पे ऐसा कंफ्यूजन लग सकता है कि यहाँ पे मानव के लिए आवश्यकीय नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, तो लगता है कि अगर इसको आप केवल वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो उसका मीनिंग नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे उसका सिमेंटिक या उसका मीनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसमें इसको जोड़ के पढ़ेंगे है ना, जिसको बाबा जी अपने भाषा में बोलते थे, इसको पूर्वापर संबंधों को बैठा कर सुन पढ़ने की जरूरत है, यानी कि जो पहले बताया जो बाद में बताया उसको जोड़ के सुनो। खाली ऐसा नहीं एक लाइन को पकड़ लिए और उसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर उसमें कुछ पकड़ा नहीं तो उसे सब कुछ को छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। उसको कभी कभी डांटते थे, तुम लोग आगे पाठ पीछे सपाट करते हो, है ना, मतलब जो पहले पढ़ाया उसको सपाट कर दिया और फिर उसके बाद में आगे पूछते हो, है ना। तो वो मतलब खैर उनका वो हम लोगों को हमारा ध्यान दिलाने के लिए कहते थे। तो बेसिकली ये वाले दोनों सूत्रों को जोड़ के पढ़ने की जरूरत है। देखिए उसमें लिखा है मानव के लिए आवश्यकीय नियम ही न्याय, है ना। तो अब यहाँ पे उसका एक्सप्लेन किया है कि नियम का मतलब क्या है, यानी सामाजिक स्तर पर सार्वभौमिक सिद्धांत के आविष्कार को नियम कहा है ना। और फिर उसके बाद नियम को जब व्यवस्था, फिर उसके बाद में लिखा है नियम ही न्याय है और न्याय ही धर्म है ना। नियम को जब व्यवस्था के स्तर पर व्यवस्था पूर्वक व्यवहृत करते हैं तो उसको न्याय है ना। और फिर धर्म, जब न्याय ही धर्म है पिछले सूत्र में लिखा है, तो उसमें लिखा न्याय को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधानित विचारपूर्ण नीति द्वारा व्यवहृत करते हैं, यानी प्रैक्टिकल बनाते हैं, है ना। न्याय को जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर समाधानित विचारपूर्ण नीति द्वारा, है ना, यानी आपकी समाधानित विचारपूर्ण वाली पॉलिसीज आप जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब इम्प्लीमेंट करते हो तब उसको धर्म की संज्ञा है ना। तो ये धर्म का जो है ये एक व्यवहारिक स्वरूप हो गया है ना। एक तो धर्म है जो कि अनुभव के में आता है और एक जो धर्म है जो व्यवस्था में प्रमाणित होता है। तो दो ओर हम लोग चल रहे हैं, एक प्रकार से एक अनुभव में हमको धर्म का सूत्र रूप में समझ में आता है और उसकी व्याख्या रूप में जो वो होता है वो व्यवस्था रूप में उसकी व्याख्या होती है, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी का ही जो विपरीत वाला है कि अमानवीय नियम ही अन्याय है, अन्याय ही अधर्म है ना। तो इसको हम अच्छे से इसको इनको समझ सकते हैं, इन चारों सूत्रों को साथ में पढ़ने समझने की भी आवश्यकता है। अगला अपन देखते हैं सुख शांति, सुख संतोष शांति एवं आनंद, ये सुख की चार अवस्थाएं हैं, है ना। तो इसको बाबा जी ऐसे ही बोलते थे, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीवन में जो सुख होता है वही जीने में समाधान होता है ना। जीवन में जो शांति होती है वही परिवार में समाधान और समृद्धि के स्वरूप में होता है। जीवन में जो सुख शांति संतोष होता है वही समाज में है ना समाधान समृद्धि और अभय या विश्वास के रूप में होता है। और जीवन में जो सुख शांति संतोष आनंद होता है वही अस्तित्व के स्तर पर समाधान समृद्धि, अस्तित्व या व्यवस्था के स्तर पर समाधान समृद्धि अभय और सह अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से जीवन मूल्य जो है वो सुख शांति संतोष आनंद है और उसी के पैरेलल में मानव लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व। तो इसमें ये वाला एक सूत्र वो कई बार इस प्रकार से देते थे कि जीवन मूल्य प्रमाणित होता है तो मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है, जीवन मूल्य प्रमाणित होने के साथ साथ मानव लक्ष्य भी प्रमाणित हो जाता है। तो जीवन के मूल्य को हम अलग से पहचान लेंगे, मानव का लक्ष्य अलग हो जाएगा, इस प्रकार से वो कहते हैं कि नहीं हो सकता, ये दोनों संभव नहीं है। तो सुख को मानव के समाधान से अलग पहचाना नहीं जा सकता। हम सोचें हम जीवन में सुखी हैं लेकिन हमारे पास समाधान नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जीवन में शांति है पर परिवार में अशांति है, परिवार में समृद्धि नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो जीवन लक्ष्य, जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य ये दोनों साथ साथ बेसिकली होना होगा।
फिर सुख की चार अवस्थाओं के पोषक नियमों को मानव के लिए आवश्यकीय नियम तथा इसके शोषक नियमों को अनावश्यकीय नियम संज्ञा है ना। तो जो भी ये भी स्पष्ट है अपने आप में, क्योंकि समस्त मानव सुखानुभव की प्रतीक्षा आशा प्रयोग एवं प्रयास में रत है। मानवीयतापूर्ण आचरण रूपी विधि की न्याय, समत्ववादी अथवा श्रेयवादी स्वभाव की धर्म, यथार्थता की सत्य, व्यापकता की ईश्वर, पूर्ण सर्वतोमुखी समाधान की आनंद, आवश्यकीय नियमाचरण की सागृत जीवन, निरपेक्ष शक्ति की संज्ञा की सत्ता संज्ञा है। लोकेशानुभव का अवसर आत्मा को, लोक दर्शन का अवसर बुद्धि व चित्त को, तथा न्यायोचित व्यवहार का अवसर वृत्ति व मन को है। संशय व विपर्य या भ्रम से मुक्त जो बौद्धिक स्थिति है, उसकी पूर्ण समाधान इच्छा पूर्वक किए गए अंतरंग व बहिरंग व्यवहार की आचरण तथा सार्वभौमिक सिद्धांत की नियम संज्ञा है। अनिश्चयता की संशय एवं अयथार्थता अर्थात अयथार्थ को यथार्थ मानने की विपर्य संज्ञा है। सर्वशुद्ध को, तो इसमें अगले पिछले 5 सूत्रों को अपन देखेंगे। चलो, तो ये देखा हमने कि सुख की चारों अवस्थाओं यानी सुख शांति संतोष आनंद के लिए पोषक नियम जो हैं वो मानव के लिए आवश्यक नियम है। तो इनको आवश्यक नियम किनको के 3 स्तरों के ऊपर पहचाना गया, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। तो इनको इन तीनों स्तरों के ऊपर नियमों को पहचाना गया। जो बौद्धिक नियम अपन ने आज देखे थे, जो प्रस्तुत किए थे, असंग्रह स्नेह विद्या निराभिमानता है, और फिर उसके बाद सामाजिक नियमों की बात की थी, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, और प्राकृतिक नियम जो है वो प्रकृति के साथ में जो हम उत्पादन करते हैं उसमें किस प्रकार से स्रोत को बनाए रखते हुए अपने समृद्धि को भी प्राप्त करना, इस रूप में प्राकृतिक नियमों को पहचाना गया है ना। तो इस प्रकार से जो ये मानव के लिए आवश्यकीय नियम है ना, यही नियम बेसिकली फिर संविधान के रूप में भी स्पष्ट होते हैं, है ना। इनको और इनके जो शोषक नियम है वो ही अनावश्यकीय नियम है। तो मानव जो है, जो समस्त मानव सुख के सुखानुभव यानी सुख जीवन में सुख का अनुभव की प्रतीक्षा आशा प्रयोग और प्रयास में रत है ना। तो खाली प्रतीक्षा ही करते रहेंगे तो उससे तो होगा नहीं, है ना। आशा ही करते रहेंगे उससे भी नहीं होगा। प्रयोग करते रहेंगे हम, कुछ ये प्रयोग करे उससे फिर असफल हुए, उससे भी नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें बाबा जी ने कहा कि है ना, मतलब कितना प्रयोग करोगे, अब कब तक प्रयोग करोगे। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो प्रयोग की वस्तु नहीं है, है ना। शिक्षा एक पद्धति है, शिक्षा में जो चीज सिद्ध कर ली गई है उसको सीधे सीधे अपने को अपनाना है। पद्धति मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना। अगर कोई चीज पा ली गई है फिर उसके बाद उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है ना। तो एक्सपेरिमेंट मतलब छेड़छाड़ करने से बेसिकली कोई हम करते नहीं है। तो सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाते है ना। तो देयर इज नो नीड टू एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ट्रुथ को केवल समझा जाता है, सत्य को केवल समझा जाता है और उसको जिया जाता है ना। तो मानव जो है वो सत्य के साथ में सत्य को समझ के उसको प्रमाणित कर सकता है। फिर उसके बाद में आगे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, न्याय की, धर्म की, सत्य की, ईश्वर की, आनंद की, जागृत जीवन की और सत्ता की। उससे हम परिचित ही हैं, ये इसलिए इनको ये बेसिकली पुनः ध्यान आकर्षण के लिए यहाँ पर बताया गया है ना। फिर उसके बाद में जीवन के जो स्तर हैं उसमें किस स्तर के ऊपर क्या क्रिया होती है, इस प्रकार से बात की गई। तो लोकेशानुभव, लोकेश मतलब व्यापक सत्ता में अनुभव का अवसर जो है वो आत्मा को है।
लोक दर्शन है ना, लोक मतलब संसार या जगत या व्यवस्था के रूप में, लोक दर्शन मतलब व्यवस्था के रूप में कैसे ये संसार है, इसका अवसर जो है वो बुद्धि और चित्त को है, है ना, क्योंकि साक्षात्कार और बोध जो है वो चित्त और बुद्धि में ही होता है। फिर उसके बाद में जो न्यायोचित, न्याय के लिए जो उचित है, उसके व्यवहार का अवसर वृत्ति और मन को है, है ना, क्योंकि जो व्यवहार जो करते हैं उसके साथ में संवेदनाएं जुटी ही हैं, तो ये इस प्रकार से है ना संवेद न्याय का व्यवहार का जो अवसर है वो न्याय का व्यवहार का जो अवसर है वो वृत्ति और मन का है, है ना। फिर उसके बाद में संशय और विप्रय, है ना, इसको भ्रम से मुक्त जो स्थिति है उसको बहुत बहुत पूर्ण समाधान कहा। और अंतरंग और बहिरंग व्यवहार, यानी कि अंतरंग किसको कहते हैं, जो कि जीवन के अंतर्गत है उसको अंतरंग, और जो बहिरंग जो कि संवेदना के द्वारा, शरीर के द्वारा जो प्रकट हो रहा है उसको बहिरंग कह रहे हैं, है ना, तो इसको आचरण कह रहे हैं। और सार्वभौमिक सिद्धांत की नियम संज्ञा है, ठीक है। और फिर आगे अनिश्चयता की संशय एवं अयथार्थता योगा कहते हैं, और उसको एक तरीके की एक्सरसाइज और व्यायाम को ही हम मतलब योग मानने लगे हैं, लेकिन जो योग का जो मौलिक